हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पीपीएससी का हमारा जो 9th 10th वाला पेपर है, उसमें हम लिटरेचर के पार्ट को पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करके समझेंगे कि आखिर पेपर का कॉन्सेप्ट क्या था, कहाँ से ज्यादा पार्ट उठाया गया है और किस तरीके का लेवल था। तो लेवल तो भाई साहब बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूँ कि अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आप जब इंटरनेट पे बहुत ज्यादा खंगालेंगे तब आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी बुक्स वगैरह की से तैयारी करते हैं तो बहुत डिटेल्ड चाहिए। इसमें स्टडी अगर आपको करना है तो बहुत डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, देन आपका ये पेपर क्लियर हो पाएगा। ओके, तो ये तो एक पॉइंट की बात हो गई। और देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से साथ किस तरीके से था और किस तरीके से क्वेश्चंस को फॉर्म किया गया है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो 71 नंबर का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड टू द पोम बीओवुल्फ। ठीक है, अब देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक ब्यूगुल्फ जो टेक्स्ट है इसके बारे में आपको जितना हो सके वो सब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इलिमिनेट जो टेक्निक होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कह रहा है ब्यूगुल्फ इज अ डिस्क्रिप्टिव ट्रेजिकल पोएम। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ब्यूगुल्फ इज एन एपिक पोएम हैविंग अ नैरेटिव टोन। ब्यूगुल्फ इज एन आर्ग्यूमेंटेटिव पोएम या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। देखिए, ब्यूगुल्फ में कोई भी आर्ग्यूमेंटेटिव टोन नहीं थी। ठीक है, ये क्या थी, एक हेरोइक एपिक थी जिसमें आपको एक यहाँ पे मॉन्स्टर मिलेगा। यहाँ पे ग्रेंडेल करके एक मॉन्स्टर है और उसकी मॉम है, उसको उसने किल किया था। यहाँ पर ब्यूवुल्फ जो कि हीरो था, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं एक हेरोइक एपिक थी। तो यहाँ पे ट्रेजिडी जो होती है, ट्रेजिकल तब वो होता है जब हीरो के साथ कोई ट्रेजिडी हो जाती है, बट इसमें हीरो की कोई ट्रेजिडी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें डेथ हो जाती है किसकी, जो यहाँ पे डेमोन होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ना ही ए है ना ही सी है, तो हमारा किस सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बीओवुल्फ इज एन एपिक पोएम हैविंग अ नैरेटिव टोन। ओके, इसकी अगर सेटिंग की बात करूं तो इसकी सेटिंग थी स्कैंडिनेविया में, और जो कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरी के बीच में लिखी गई थी। इसके राइटर का नाम हमको पता नहीं है, और ये एक डेन्स किंग थे और जिनकी सुरक्षा एक मॉन्स्टर से करने के लिए ब्यूवुल्फ को अपॉइंट किया गया था। और मेनली ब्यूवुल्फ और उसकी जो हेरोइक डिसीजन है, हेरोइक वॉर्स है, उसके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है। तो इस तरीके से हम ब्यूवुल्फ को एक समराइज करके पढ़ेंगे तब यहाँ पे क्लियर। ब्यूवुल्फ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो जिसने भी अगर इसको ढंग से पढ़ा होगा तो वो ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से क्लियर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ हिस्टोरिया रेगम ब्रिटनी। देखिए, हिस्टोरिया रेगम जो ब्रिटनी है, ये वर्क किसका है ये पूछा गया है। इसको ओरिजिनली कहते थे डे गेस्टिस ब्रिटोनम, डे गेस्टिस ब्रिटोनम भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डे गेस्टिस ब्रिटोनम, ये भी इसका एक नाम हो गया और ये भी यहाँ पे हो गया। और इसको लिखा था जॉफरी बाई मॉनमॉथ ने, जॉफरी बाई मॉनमॉथ ने इसको लिखा था। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और मेनली ये अपने जाने भी इसी चीज के लिए जाते हैं, इनके क्रॉनिकल जो इनका वर्क है हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटनी, या फिर इसको अन्य इन नामों से जो लैटिन नेम्स हैं हिस्टोरिया रेगम ब्रिटनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1136 में लिखा था, तो ये भी क्या है, ओल्ड पीरियड से बिलोंग करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 73 नंबर का देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड टू सर गैवेन एंड ग्रीन नाइट। सर गैवेन एंड ग्रीन नाइट, ये मेनली इसके अकॉर्डिंग आपको जो स्टेटमेंट्स हैं उनको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है सर गैवेन एंड ग्रीन नाइट हैज बीन रिटन बाय विलियम लांगलैंड। तो यहाँ पे ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, विलियम लांगलैंड यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है, सर गैवेन एंड ग्रीन नाइट इज एट्रीब्यूटेड टू जॉफरी चौसर, तो नहीं, ये जॉफरी चौसर को नहीं एट्रीब्यूटेड है। और सी ऑप्शन है सर गैवेन एंड ग्रीन नाइट हैज एन एनोनिमस येट द ऑथर माइट हैव लिव्ड इन इंग्लैंड। तो ये एक एनोनिमस राइटर थे और ये मेनली अपने इन वर्क्स के लिए जाने जाते थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का है, देखिएगा। पेंडारूस इज अ कैरेक्टर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। पेंडारूस का जो कैरेक्टर है वो आपको किस पोएम में मिलेगा? तो पेंडारूस एक फेमस कैरेक्टर है, किसमें? जो इलियाड का होमर है, होमर का इलियाड। तो इसमें से क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एवर, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होमर के इलियाड में मिलेगा। ठीक है, होमर के इलियाड में आपको ये कैरेक्टर मिलेगा, कौन सा? पेंडारूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 75 नंबर का। द बुक इंटाइटल्ड ट्रॉय बुक हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स, यानी कि इनमें से ट्रॉय बुक किसने लिखा? विलियम डनबार ने, या फिर जॉफ्री चौसर ने, या जॉन लिगेट ने, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव, यानी कि ये वर्क किसका है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा यहाँ पे जॉन लिगेट का, जॉन लिगेट का ये वर्क है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का। द कैरेक्टर्स इन द कैंटरबरी टेल्स आर सपोज टू सेट अपॉन अ पिलग्रिम्स टू से प्रेयर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रियस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जो पिलग्रिम्स थे, ये किसकी प्रेयर के लिए जा रहे थे? तो सेंट सेंट थॉमस बेकेट, या सेंट जॉन, या सेंट पीटर, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सर सेंट थॉमस बेकेट की सरीन पे ये लोग जा रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। द आइडिया ऑफ राउंड टेबल अपियर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी कि राउंड टेबल का जो आइडिया है ये आपको कहाँ पे दिखाई दिया था? द बुक ऑफ मार्जरी कैम्पे, या फिर रिवेलेशंस ऑफ डिवाइन लव, या ले मॉर्ट दी आर्थर, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ले मॉर्टेडी आर्थर। ले मॉर्टेडी आर्थर ने अपने वर्क्स में इस चीज को, द राउंड टेबल का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ले मॉर्टेडी आर्थर। तो यहाँ पे डी के बाद होता है अपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 78 नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंग ऑफ द सरनेम हाइथलोडेउस। हाइथलोडेउस का मतलब क्या है? लर्न्ड इन नॉनसेंस, या फिर इनलाइटेंड इन विट, या इम्परफेक्ट इन सेंसिबिलिटी, मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। देखिए, इसका मतलब तो होता है जो हमारा ये हाइथलोडेउस का मतलब होता है यहाँ पर लर्न्ड इन नॉनसेंस, लर्न्ड इन नॉनसेंस। तो यहाँ पे लर्न्ड इन नॉनसेंस जो है ये ऑप्शन में हमारा है, इम्परफेक्ट इन सेंसिबिलिटी भी है, तो हम इसको या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव के साथ जाएंगे, या फिर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा, और या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव में हमारा इम्परफेक्ट इन सेंसिबिलिटी, या फिर और लर्न इन नॉनसेंस, ये दोनों आंसर यहाँ पे राइट होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 79 नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ एसर्सियो सेक्टम सैक्रामेंटोरम। ठीक है, तो ये वर्क का नेम है, और मेनली ये जो वर्क्स हैं ये ओल्ड पीरियड के हैं, तभी थोड़ा सा प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। एसर्सियो सेक्टम सैक्रामेंटोरम, ओके, तो ये वर्क किसका है? तो ये वर्क है हेनरी एट एंड थॉमस मोर का। तो यहाँ पे थॉमस मोर नहीं है, सिर्फ हेनरी एट है, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हेनरी एट एंड थॉमस मोर। ठीक है, थॉमस मोर का ये वर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 80 नंबर का। Which one among the following is an author of Rolf Doister, Royster, Doister, Ralph Royster and Doister का एक मेजर फैक्ट तो ये भी है कि ये एलिजाबेथन पीरियड की ये फर्स्ट कॉमेडी, यानी कि इंग्लिश पीरियड की ये फर्स्ट, इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट कॉमेडी इसको कंसिडर किया जाता है। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट कॉमेडी। तो ये किसने लिखा है? तो निकोलस उडाल ने, या फिर जॉन हेबुड ने, या बेन जॉनसन ने, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। ओके, तो कोलैबोरेटिव वर्क देखिए, इसमें अगर मोर देन वन ऑफ द एबव के साथ हम जा रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि
कोलैबोरेटिव वर्क्स को आप एक तरफ लिस्ट बना के लिख लें कि कौन सा राइटर किसके, यानी विलियम शेक्सपियर ने किस किस किसके साथ जो अपना प्ले कोलैबोरेशन में लिखा, उनको एक लिस्ट बना के रख लीजिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मोर देन वन ऑफ द अबव का प्रॉब्लम इंग्लिश लिटरेचर में नहीं होना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन, अगर मैं पूछूं, राल्फ डॉयस्टर एंड रॉयस्टर एंड डॉयस्टर के जो राइटर हैं वो निकोलस उडार हो जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिटाइज द आइडिया ऑफ निसो मोसोई अपियर्स। निसो मोसोई का जो आइडिया है ये किस ट्रिटाइज में अपियर हुआ था? सैलीज डिफेंस ऑफ पोएट्री, या फिर सिडनीज डिफेंस ऑफ पोएजी, या ड्राइडेंस डिफेंस ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, या मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो डिफेंस ऑफ पोएजी है सिडनी का, डिफेंस ऑफ पोएजी जो सिडनी का वर्क है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें इन्होंने पोएट्री के जो हेटर्स है उनको एक टर्म दिया है मिसो मोसोए। ठीक है, मिसो मोसोए टर्म दिया है, जो जो भी पोएट्री के हेटर्स हैं और या फिर जो भी इसकी जो वर्थ है उसको समझते नहीं है, तो उनको जो सिडनी ने दिया था ये टर्म मिसो मोसोए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 82 वाला, ये वाला तो क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा शेक्सपियर यूटिलाइजेस थॉमस लॉज रोजालिंड यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने थॉमस लॉज के जो ये टाइटल दिया हुआ रोजालिंड यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी, तो इसको किस में यूटिलाइज किया है, किस ड्रामा में? तो एज यू लाइक इन में, या सिम्बलीन में, या मेजर फॉर मेजर में, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, एज यू लाइक इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का है। विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग हैज बीन वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। ओके, वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड ये किसको बोला गया है? विलियम लैंगलैंड को, या फिर यहाँ पे जॉन गोबर, या जॉफरी चौसर, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो जॉफरी चौसर को बोला था स्पेंसर ने, जॉफरी चौसर हमारे राइट हो जाएंगे, इनको स्पेंसर ने बोला था ऐसा, क्या? वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 85 नंबर का। एंड राइड इन ट्रम्फ थ्रो पर्सिपोलिस इज नॉट ब्रेव टू बी अ किंग। ठीक है, तो ये लाइन्स आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्क में आपको दिखाई पड़ता, और द अबव ऑब्जर्वेशन अपेयर इन विच वन ऑफ वर्क, यानी कि ये जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा है ये आपको किस वर्क में दिखाई देगा? तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा टम्बल इन द ग्रेट, या फिर डॉक्टर फॉस्टर, या द ज्यू ऑफ माल्टा, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? टम्बल इन द ग्रेट, जो क्रिस्टोफर मॉलो का है, टम्बल इन द ग्रेट क्रिस्टोफर मॉलो मार्लो। ओके, तो ये भी इनका फेमस ही वर्क है। कुछ भी ऐसा मुझे यहाँ तक अभी नहीं दिखा कि कुछ भी ऐसा है जो अनपॉपुलर है और उससे क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 86 नंबर का। द ट्रू एंड ऑफ सटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइजेस बाय करेक्शन। द ट्रू एंड ऑफ सटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइसेस बाय करेक्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है, ये जो ऑब्जर्वेशन किया है सटायर को लेके, ये किसने किया है, किस ऑथर ने किया? अलेक्जेंडर पोप ने, या जोनाथन स्विफ्ट ने, या जॉन ड्राइडन ने, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, जॉन ड्राइडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 87 नंबर का। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ द रोवर। रोवर के ऑथर कौन है ये पूछा जा रहा है, अफ्रा बेन, या फिर मैरी एस्टेल, या फिर यहाँ पे डोरोथी ऑसबॉर्न, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो द रोवर है ये एक तरीके की रेस्टोरेशन कॉमेडी है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है, जो कि किसने लिखा है, अफ्रा बेन ने। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर का। मिलामेंट, मिलामेंट इज अ कैरेक्टर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, यानी कि इनमें से जो मिलामेंट एक कैरेक्टर है आपको इनमें से किस प्ले में मिलेगा, लव फॉर लव में, या फिर द डबल डीलर में, या फिर द वे ऑफ द वर्ल्ड में, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये विलियम कॉनग्रीव का प्ले है, विलियम कॉनग्रीव। ओके, तो ये इनका इंपॉर्टेंट प्ले है और यहां से ये कैरेक्टर उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 89 नंबर का। द वर्क इन टाइटल द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी हैज बीन रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स, यानी कि द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी जो ये वर्क है ये किसने लिखा है, विलियम होगार्थ ने, या फिर जोनाथन स्विफ्ट ने, या होरेस वॉलपोल ने, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विलियम होगार्थ ने, जो इन्होंने लिखा था 1753, जो कि 18 सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द प्लेस ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ बैटल ऑफ बुक्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी कि जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, द प्लेस ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ बैटल ऑफ बुक्स, यानी कि बैटल ऑफ बुक्स में जो प्लेस ऑफ एक्शन है इसकी सेटिंग मेनली कहाँ पे रखी गई है, द ब्रिटिश म्यूजियम में, या फिर सेंट जेम्स लाइब्रेरी, या फिर बैडलियन लाइब्रेरी, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेंट जेम्स लाइब्रेरी, या फिर इसको बोला जाता है किंग्स लाइब्रेरी। ओके, किंग्स लाइब्रेरी भी अगर आपका मिलता तो वो भी यहाँ पे सही हो जाता। 91 का जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टाइटल टू गुलीवर्स ट्रेवल, गुलीवर्स ट्रेवल को हम एक अल्टरनेटिव टाइटल कौन सा दे सकते हैं, ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, या फिर वोयेजेस एंशियंट एंड मॉडर्न, या वोयेजेस अक्रॉस द एटलांटिक, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 92 नंबर का। वॉट एवर इज राइट, वॉट एवर इज राइट, यानी कि जो भी है वही सत्य है, वही सही है, इज एन ऑब्जर्वेशन दैट अपियर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, ये ऑब्जर्वेशन आपको किस फॉलोइंग वर्क में मिलेगा, एन एपिस्टल ऑफ डॉक्टर आर्बथनॉट, या फिर द रेप ऑफ द लॉक, एन एस्से ऑन मैन, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 92 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा एन एस्से ऑन मैन, जो कि किसने लिखा था, एलेक्जेंडर पोप ने, एलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 93 का। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स एंड इयर्स द डेली जर्नल द स्पेक्टेटर वॉज फाउंडेड, जो यहाँ पे एक जर्नल है जो कि डेली जर्नल है स्पेक्टेटर, ये कब फाउंड किया गया था, 17 मार्च 1711 में, या फिर जून 1812 में, या फिर अप्रैल 1766 में, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्च 1711, जो कि ये 1712 भी ऐसे लिखा होता तो ये सही होता। ओके, अगर इसके फाउंडेड फाउंडेड बाय, यानी कि पूछा जाए कि इसके फाउंडर कौन है, तो जोसेफ एडिशन एंड रिचार्ड स्टील, जोसेफ एडिशन एंड रिचार्ड स्टील, ये क्या हो जाते हैं, फाउंडेड फाउंडर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मैगजीन से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, एक यहाँ पे एक बुक है उसका नाम है अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, के जो बुक है इसके ऑथर कौन है, डेनियल डॉफे, या सैमुअल जॉनसन, या जोनाथन स्विफ्ट, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन डेनियल डॉफे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 95 का है, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, क्लियर नहीं आंसर है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा रिसर्च किया फिर भी एक एग्जैक्ट जो आंसर होता है वो इसका अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम स्किप करते हैं, आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 96 का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, स्कूल फॉर स्कैंडल, अ स्कूल फॉर स्कैंडल हैज बीन रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट, यानी कि अ स्कूल ऑफ स्कैंडल को किस ड्रामेटिस्ट ने लिखा था, रिचार्ड कम्बरलैंड ने, या फिर शेरिडन ने, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिचार्ड बी शेरिडन, रिचार्ड बी शेरिडन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 97 का आपकी फेसेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल इज द अदर टाइटल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी कि ये जो टाइटल है आपको किसका वर्क है ये पूछा गया है, लिप्स ऑफ द पोएट्स या फिर लव्स लेबर्स लॉस्ट या द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द लिप्स ऑफ द पोएट्स ऑफ सैमुअल जॉनसन, इसका पूरा टाइटल ये होना चाहिए। तो हम किसके साथ जाएंगे, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन नहीं हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर क्या हो जाएगा, लिप्स ऑफ द पोएट्स ऑफ सैमुअल जॉनसन ये होना चाहिए इसे टाइटल का नाम। तो इसमें अगर डाउट होता है तो हमारा सही आंसर जो होगा वो ए ही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉनर्स ऑफ फिक्शनल राइटिंग। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो का जॉनर पूछा गया है, सिंपल सी चीज है कि इसका जॉनर आपको पता होना चाहिए, रोमांटिक है या फिर क्लासिकल है या गोथिक है या फिर मोर देन वन ऑफ द, यानी एक से ज्यादा इसमें आपको जॉनर मिलेंगे या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये एक तरीके की फर्स्ट गोथिक नॉवेल है जो कि किसने लिखा था, ये फर्स्ट गोथिक नॉवेल थी जो कि लिखा था होरेस वॉलपोल ने, होरेस वॉलपोल ने ये लिखा था, होरेस वॉलपोल ने फर्स्ट गोथिक नॉवेल थी, और तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन, ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इन रिगार्ड टू फ्रैंकेनस्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट ट्रू, फ्रैंकेस्टीन इज अ प्रोटो साइंस फिक्शन, फ्रैंकेस्टीन इज अ हॉरर फिक्शन या फिर फ्रैंकेस्टीन इज अ साइंस फिक्शन या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द। देखिए फ्रैंकेस्टीन जो एक तरीके की एपिस्टोलरी जो नॉवेल है, मैरी मैरी सेलिक्स ने लिखा है फ्रैंकेस्टीन, जिसमें क्या होता है कि एक मॉन्स्टर जो है लैब में क्रिएट किया जाता है, यानी कि ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का साइंस फिक्शन है। ठीक है, अगर हम जाएंगे ज्यादा ऑप्शन के साथ तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है, क्योंकि इसमें एक मॉन्स्टर है तो आपको यहाँ पे एक हॉरर एलिमेंट मिल जाएगा। तो मोर देन अबव इसका आंसर राइट होगा अगर सही होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज इंस्पायर्ड बाई पीटरलू मैसेक्रे। ठीक है, तो ये जो पीटरलू मजाकरे जो आपको ये मिल रहा है, ये एक तरीके का इंसिडेंट हुआ था और जिसमें बहुत सारी पब्लिक खड़ी थी और उसमें बहुत सारे लोग मार दिए गए थे, तो उसी पे एक तरीके का वर्क लिखा गया था, तो इससे इंस्पायर होके लिखा था, द मास्क ऑफ एनार्की या क्वीन मैप या द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द मास्क ऑफ एनार्की जो कि पीबी सैली ने लिखा। चलिए ओके, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। 102 का आंसर देखते हैं, विच वन ऑफ द विच वन अमंग द फॉलोइंग पोएट्स हैड अ रिसोर्स टू लिम्प्रेरी क्लासिकल डिक्शनरी, लिम्प्रेरी क्लासिकल डिक्शनरी से किसने रिसोर्स लिया है अपने वर्क्स को लिखने के लिए, पर्सी बायसी सैली या जॉन कीट्स या विलियम वॉर्ड्सवर्थ, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद द सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम ऑफ मिड विक्टोरियन इंग्लैंड। मिड विक्टोरियन इंग्लैंड से कौन सी नॉवेल इसमें डील कर रही है, ठीक है, हार्ड टाइम्स या ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स ये नॉवेल किसकी है, तो ये है चार्ल्स डिकेंस की, 1854 में लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द आइडिया ऑफ वॉर इज मोस्ट एक्सप्रेसिव, यानी कि जो वॉर का आइडिया है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होके दिखाया गया, मर्डर इन द कैथेड्रल या फिर द वेस्टलैंड या फिर ईडल स्टेट्समैन या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ओके, मर्डर इन द कैथेड्रल जिसमें थॉमस बेकेट की डेथ हो जाती है, मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है, उनको मार दिया जाता है। 105 का आंसर देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल एस्थेटिकल थ्योरी हैज बीन एक्सपाउंडेड।
तो सही आंसर एस्थेटिकल यानी कि सौंदर्यवादी जो थ्योरी है वो किसमें सबसे ज्यादा प्रभावी हुई है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, या फिर डबलिनर्स, या फिर एनिमल फोरम, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये किसका है, स्टीफेंस का है, स्टीफेंस का वर्क है। ओके तो बहुत अच्छी तरीके से जो भी क्वेश्चन, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से जो भी लिटरेचर का पार्ट था, हमारे क्वेश्चन थे, उनके आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम समझेंगे कि हमारा जो क्या क्या हमारी कमियां रही और किन किन चीजों पे फोकस किया गया है इस पेपर में। ओके तो हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे पूरे पेपर का, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, स्ट्रैटेजी जो कि आपके आने वाले जो 4.0 का एग्जाम है TRE, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ओके अच्छे से आप परफॉर्म कर पाए इस एग्जाम में। ओके ओके सो फर्स्ट जो मेजर पॉइंट यहाँ पे है कि आपको जो भी वर्क पढ़े वो डिस्क्रिप्टिव में पढ़े, यानी कि वो किन चीजों पे बेस्ड है वर्क। जैसे कि ब्यूवुल्फ में क्वेश्चन पूछा गया था, ब्यूवुल्फ ब्यूवुल्फ में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ब्यूवुल्फ डिस्क्रिप्टिव था, फ्रैंकेंस्टीन जो था वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, तो ये पूछा गया था यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप ब्यूवुल्फ पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखना है कि सेटिंग इसकी कहाँ है, ठीक है। साथ ही साथ आपका इसके ऑथर कौन है, एनिनोमस है, इसके ऑथर का पता नहीं है, और ये मेनली कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं, कैरेक्टर्स पे आपको ध्यान रखना है। और शेक्सपियर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी किसका था, इनके जो भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि सोर्स ऑफ द प्ले, शेक्सपियर के जो सोर्सेज हैं प्ले के, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। और जो यहाँ पे मेन फोकस था वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड पे था, और दूसरा जो था रेस्टोरेशन पे था, विक्टोरियन पे था, और मेन जो ऑथर्स यहाँ पे थे वो थे ज्योफ्री चौसर, अलेक्जेंडर पोप, विलियम कॉनग्रीव, ओके क्रिस्टोफर मोलो। ये कुछ इम्पोर्टेंट राइटर हो जाते हैं यहाँ पे। और मेनली जो मेन था फोकस वो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड को ज्यादा टच किया, यानी कि आपको यहाँ पे ओल्ड मिडल से लेके एलिजाबेथन ये पीरियड कवर करना है, फिर आगे आ जाना है आपको रेस्टोरेशन विक्टोरियन में। तो यहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं। तो ये हम कह सकते हैं अब हमारी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि हमारा ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, सेल्फ स्टडी पे, यानी कि आपको अदर रिसोर्सेस से गाइडेंस तो मिल सकती है लेकिन पढ़ना आपको खुद ही है इंडिविजुअली। जब तक आपके सेल्फ नोट्स नहीं बने होंगे तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए ऊपर ऊपर पढ़ना बंद करिए, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, पेपर का लेवल देख के पता चल रहा है कि आगे आने वाला लेवल इससे भी हाई हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा फोकस हमारे लिटरेचर पे हो जाएगा, लेकिन हुआ है। और अब हमारा यही होना चाहिए कि एज अ टीचर आप दोनों चीजों में इक्वली मास्टर हो, हमारा लिटरेचर हो चाहे हमारा ग्रामर हो। देखिए जो लिटरेचर हो ग्रामर के बिना अधूरा है, जब तक आपको ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा आप किसी भी पोएट्री या प्रोज का कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे 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 वोकैब का यूज होता है कि आप ग्रामर नहीं पढ़े होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा, और आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बनाना नहीं जाते होंगे तो कभी आप प्रोज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, रिदमिक स्ट्रक्चर नहीं बता पाएंगे। तो लिंग्विस्टिक का लिटरेचर से बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आगे से आप लिटरेचर के साथ ग्रामर दोनों पढ़िए, और मेनली जो मेन वर्क्स थे यहाँ पे वो बहुत सारे जो वर्क्स थे वो थे यहाँ पे हमारे जो यूजी और पीजी में कोर्स, यूजी पीजी कोर्सेज में जो होते हैं
उसमें जो मेन जो वर्क्स है उससे भी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां से भी बहुत सारा कवर हो सकता है। तो यूजी पीजी कोर्सेस में जो भी वर्क्स है उनको भी आप निगलेक्ट ना करिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी अच्छे एग्जामिनर ने ही वो सिलेबस बनाया होगा, तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे कि जो ये हमारा डीयू का सिलेबस ले लो, तो इसमें जो बीए ऑनर्स का सिलेबस है उसमें देखिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड का कितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्क्स को कवर किया हुआ है, यानी कि आपको वहीं से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड को नहीं निगलेक्ट कर सकते वहां से, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे नेम है, लैटिन और ग्रीक से इन्फ्लुएंस था ना, तो ऐसे ऐसे नेम है कि प्रोनाउंसिएशन में भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। एग्जाम में लोग ऐसे ऐसे नेम देख के घबरा जाते हैं, आगे सॉल्व करे तो करे क्या। तो ये कुछ चीजें पॉइंट थी, बट आगे से ध्यान रखना है कि हमें दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है, हमें ग्रामर पे भी पकड़ रखनी है। ये नहीं कि लिटरेचर पढ़ने लगे तो हम ग्रामर को भूल जाएं, ग्रामर और लिटरेचर दोनों को पकड़ के रखना है। साथ ही साथ एक जो प्रॉपर वे होता है तैयारी का कि आप MCQ खाली करके जाके पेपर में नहीं जा सकते, ना ही थ्योरी करके सीधे पेपर में एंटर कर सकते हैं, आपको थ्योरी के साथ MCQ सेशंस को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे जो चैनल पे पैटर्न है ही ऐसा कि हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं देन उसके बाद MCQ भी करवाते हैं, जिससे क्या है ना कि जो भी स्टूडेंट है उसका रिवीजन इसी वीडियो में हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।